थ्री मैन इन ए बोट चैप्टर 5 समरी। जैसा कि उन्होंने अनुमान लगाया था, लेखक उनके घर के देखने वाले द्वारा जगाया जाता है। श्रीमती प्रॉपेट 9 बजे सुबह आकर उन्हें जगाती हैं। वह हैरिस को जगाता है और वह दोनों एक दूसरे पर दोष लगाते हैं कि क्यों नहीं जगाया। अपनी लड़ाई के बीच में उन्होंने पाया कि जॉर्ज अभी भी खर्राटे ले रहा था। वह आदमी जो उन्हें जगाने का समय जाना जाता था, वे दोनों गुस्से में आकर उसके पास पहुँचे और हैरिस चप्पल लेकर उस पर कूदा और जिम उसके कान में जोर से चिल्ला दिया। जॉर्ज झटके से उठा और नहाने के टब में गिर पड़ा। मॉन्टमोरेंसी 2 और कुत्तों को आमंत्रित कर लाया और वे दोनों दरवाजे पर लड़ रहे थे। उन्हें एक छाते की मदद से शांत कराया जा सका। सारे दोस्त ब्रेकफास्ट के लिए बैठे और जॉर्ज जोर जोर से मौसम की खबर देने लगा। लेखक ने सोचा कि वे सभी धोखेबाज और गलत थे। उनका एक खूबसूरत दिन मौसम समाचार की वजह से ही खराब हुआ था। लेखक याद करता है कि उस दिन समाचार आई थी, भयानक बरसात होगी एवं आंधी आएगी। वे बाहर नहीं निकले क्योंकि वे गीले नहीं होना चाहते थे। दिन भर कभी बरसात नहीं हुई। अगली सुबह ठीक सोची गई थी, खूब मूसलाधार बारिश हुई। इन सब में वे भीग गए। यही बैरोमीटर के साथ भी हुआ। वह किराए की बग्घी का इंतजार करने लगे और माल और सामान लेकर दरवाजे पर खड़े हो गए। वे अत्यधिक सामान को रखे थे जो सड़क के लड़कों को आकर्षित करने लगा। सबसे पहले बिगी का लड़का आया। वह उनमें सबसे अनैतिक और संवादवाहक लड़का था। वह बिल्कुल नज़दीक के रिकाव पर आ गया और वह एक दूसरे लड़के के साथ था। वह बोला, हे तल वाला 22वां कमरा जा रहा है। थोड़ी देर में भीड़ इकट्ठा हो गई। वह समूह सोचा कि शादी हो रही है और हैरिस दूल्हा है। उनमें सबसे ज़्यादा गहन विचार होने लगा और बूढ़े लोग ने सोचा कि ये शव यात्रा है और जिम शव का भाई है। अंत में एक किराए की भी आ ही गई। वे वालर स्टेशन पहुंच गए। उन्होंने इंजन के ड्राइवर को घूस दिया ताकि वो 11:50 बजे किंगस्टन पहुंचा दे और इस तरह वे किंगस्टन पहुंच गए और दक्षिण रेलवे में पहुंचकर उन्हें पता चला कि रेल ईस्टर मेल है और उन्होंने घंटों उसकी इंतजार में बिता दिए। उनकी नाव किंगस्टन में पुल के नीचे उनका इंतजार कर रही थी। जब हैरिस छोटे नाव पर आ गया, लेखक पतवार के डंडे के पास गया और मॉन्टमोरेंसी दुखी और गहराई तक संदेहजनक जहाज के आगे आ गया। वे नदी में पहुंचे। ये 2 सप्ताह के लिए उनका घर बनने वाला था। थैंक यू। अगला चैप्टर भी जरूर पढ़ें। अगर पसंद आए तो लाइक करें।